हाय गाइस, दिस इज केयरिंग मॉम बाय एचके। आपने वीडियो में देखा होगा कि मेरे बच्चे की जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा है, और इवन के मूवमेंट के साथ मेरे जो मसल हैं, पेट के मसल हैं, वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं। ऐसा बहुत ही कम केसेस में होता है। ऐसे मसल स्ट्रेच होने के पीछे का रीज़न ये है कि बच्चा बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपके नहीं मूव हो रहे, स्ट्रेच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जो बच्चा है वो हेल्दी नहीं है। आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है, बस अपने अपने बॉडी का जो टोन होता है, अपने अपने बच्चे का नेचर होता है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेटा होने पर जो मूवमेंट है वो कम होती है या ज़्यादा होती है, कब होती है, कैसी होती है, कितनी बार होती है दिन में। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। लेट्स स्टार्ट वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि मूवमेंट कब होती है। एक्चुअली मूवमेंट 4 से 6 मंथ में स्टार्ट हो जाती है सबकी, और मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ तो मेरी जो बच्चे की मूवमेंट है वो 4th मंथ के पहले वीक में ही होने लग गई थी। और हाँ, अब कुछ लोग कहते हैं कि जो मूवमेंट है अगर जल्दी होनी स्टार्ट हो जाए तो उसका मतलब है कि लड़की है, और अगर लेट स्टार्ट होती है तो उसका मतलब है कि लड़का है। तो मेरे केस में ऐसा कितने परसेंट सही हुआ, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। मूवमेंट कितनी बार होती है। मूवमेंट एक्चुअली दिन में कहते हैं कि 10 बार तक हो जानी चाहिए। अगर आप बहुत बिजी रहते हो, कोई जॉब वगैरह करते हो तो आपका माइंड बिजी रहता है, कई बार आप मूवमेंट फील ही नहीं करते। इसलिए मूवमेंट का ध्यान रखना प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको मूवमेंट नहीं भी फील हुई पूरा दिन, तो आप क्या कर सकते हो कि रेस्ट करिए, लेट जाइए सीधा, और कई बार कुछ चॉकलेट जहाँ कोई टॉफ़ी मीठा वगैरह खाने से भी आपको बच्चे की मूवमेंट फील हो जाती है। रेस्ट करने पर भी आप कंसंट्रेट करोगी तो आपको बच्चे की जो मूवमेंट है वो ज़रूर फील होगी। कुछ बच्चे बहुत ही ज़्यादा इनएक्टिव होते हैं और वो दिन में 10 बार तक मूवमेंट नहीं करते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने डर जाना है। तो आप डरिएगा मत, आपका बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि अगर पूरा दिन मूवमेंट नहीं हुआ तो डॉक्टर के पास जरूर जाइए, क्योंकि कई बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मूवमेंट का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम बात करें कि बेटा ज़्यादा मूव करता है या बेटी ज़्यादा मूव करती है। एक्चुअल में मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मेरी बेटी थी वो 4th मंथ में ही मूव करने लग गई थी। 4th मंथ अभी यह स्टार्ट हुआ था, लेकिन मेरे कुछ कोलीग थे और उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग टिल 7th मंथ उनके बच्चे ने किक नहीं किया, और उनके जो बच्चे थे वो भी बेबी गर्ल ही थे। मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 70% अगर बच्चा पहले मूव कर जाता है, बहुत ही जल्दी मूव करता है और बहुत ही ज़्यादा मूव करता है, तो वो बेटी है। और 30% है कि आपके बेटा भी हो सकता है, लेकिन ये किसी के कहीं पर लिखा नहीं है, ये जस्ट हर किसी का अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। एक्चुअल में जल्दी मूवमेंट फील होने का कारण होता है माँ की डाइट। अगर माँ की डाइट बहुत अच्छी है, ऑब्वियसली बच्चा हेल्दी होगा, और जितना ज़्यादा हेल्दी होगा उतनी ही ज़्यादा आपको मूवमेंट बच्चे की फील होगी। होप सो आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज़।